इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडी मेडी टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक गुरुत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे टाइफाइड फीवर को सही से पहचानने के लिए किन टेस्ट को किया जाता है। टाइफाइड फीवर के टेस्ट बहुत ही तरीके से आते हैं। किस टेस्ट में सबसे ज्यादा रिलायबल रिजल्ट आता है, किस टेस्ट में सबसे अच्छा पता चलता है कि आपके शरीर में टाइफाइड फीवर है कि नहीं है, उस टेस्ट के नाम है टाइफीडॉट टेस्ट। उस टेस्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से टाइफाइड फीवर का पता चलता है। डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको प्रिस्क्राइब करने का सही रीजन क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसके रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवे भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। टाइफीडॉट टेस्ट जो अभी के टाइम में सबसे टाइफाइड फीवर का पहचानने के लिए रिलायबल टेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि टाइफाइड टेस्ट का एकमात्र टेस्ट था जो कि विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर टाइफाइड टेस्ट का पता लगाते थे, लेकिन अभी के टाइम जो रिलायबल टेस्ट आया है वो है टाइफीडॉट टेस्ट। क्योंकि टाइफाइड फीवर का जो टेस्ट होता था विडाल टेस्ट, वो टाइफाइड फीवर को सही से पहचानने के लिए, यानी साल्मोनेला टाइफी जो इसके लिए जिम्मेदार है, टाइफाइड फीवर के लिए जिम्मेदार है, उसको सही से पहचानने के लिए बहुत ज्यादा गलत रिजल्ट दे देता था। कभी कभी पॉजिटिव को नेगेटिव बताता था और नेगेटिव को पॉजिटिव बताता था, और ऐसे रिजल्ट होने के वजह से डॉक्टर को ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होते थे, बहुत ज़्यादा परेशानी होते थे। उस पेशेंट का सभी लक्षण टाइफाइड फीवर के ही है, लेकिन उसके विडाल टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आया है, और कभी कभी किसी पेशेंट का विडाल टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया है लेकिन सभी लक्षण उसके नेगेटिव है। इसके लिए भी सबसे ज़्यादा परेशानी होते हैं डॉक्टर को ट्रीटमेंट देने में। इसीलिए सबसे रिलायबल जो टेस्ट होता है वो टाइफीडॉट का टेस्ट है, जो डे टू से टाइफाइड फीवर की जो साल्मोनेला टाइफी मौजूद है कि नहीं है उसके रिजल्ट दे देता है। यानी जब आपका टाइफाइड फीवर पॉजिटिव हो उसके दूसरे दिन से ही पता चल जाता है टाइफीडॉट के परीक्षण के माध्यम से पॉजिटिव है कि नहीं है। टाइफीडॉट किस टाइप का टेस्ट है? टाइफीडॉट एक टाइप का खून के सीरम के जांच होते हैं। उस सीरम के माध्यम से कार्ड रीडिंग के टेक्निक से टाइफाइड की टाइफीडॉट का टेस्ट किया जाता है। इन कैसेट में एक IgG और एक IgM दोनों सिंबल रहता है। इस कैसेट में जब IgM पॉजिटिव आता है और IgG नेगेटिव आता है तब डॉक्टर द्वारा समझा जाता है अर्ली इन्फेक्शन हुआ है, यानी अभी अभी साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ है। और जब IgM नेगेटिव आता है और IgG पॉजिटिव आता है तब डॉक्टर द्वारा समझा जाता है कि आपका शरीर में पहले इन्फेक्शन था, अभी आपका शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो गया है। साल्मोनेला टाइफी की एंटीबॉडी आपका शरीर में पैदा हो रहा है, आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और जब दोनों ही पॉजिटिव आते हैं IgG और IgM, आपका एक्विड इन्फेक्शन है, यानी साल्मोनेला टाइफी का जो एक्विड इन्फेक्शन होता है अभी भी आपका शरीर में मौजूद है। एक्विड इन्फेक्शन बहुत ही दिन से है, आपका शरीर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और जब IgG और IgM दोनों ही नेगेटिव आते हैं तब समझा जाता है कि आपका शरीर में कुछ प्रकार के भी इन्फेक्शन नहीं है टाइफाइड का। इस प्रोसेस को रैपिड टेस्ट कहा जाता है। इस रैपिड टेस्ट के माध्यम से टाइफीडॉट का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर पॉजिटिव रहने से उसके कैसे ट्रीटमेंट होता है, उसको डॉक्टर द्वारा कैसा कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो जानने के लिए अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा टाइफाइड फीवर के बारे में, टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद।